आज है मेरा लेग वर्कआउट डे और इस दिन मतलब जिस दिन मैं लेग्स लगाता हूँ ये लास्ट 4 मंथ से मेरे नीज में थोड़ा सा मेरे को ना पेन फील होता है जब मैं थोड़ा हैवी लिफ्ट करने जाता हूँ या फिर ज़्यादा वेट्स पे जाने की कोशिश करता हूँ या ज़्यादा रेप रेंज पे जाने की कोशिश करता हूँ तो वो पेन के कारण मेरे 3 से 4 महीने से लेग्स अच्छे से ट्रेन नहीं हो रही तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया था कि मैं सुमो डेडलिफ्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहा था क्योंकि स्क्वाट्स मेरे को बंद करने पड़े लेग प्रेस भी बंद करनी पड़ी और लंजेस भी मैं मोस्टली बॉडी वेट पे थोड़ा बहुत जाता था तो आज मैं थोड़ा सा स्क्वाट्स ट्राई करूँगा उसी के साथ स्टार्ट करूँगा और लेट्स सी आज का वर्कआउट कैसे जाता है। अभी स्ट्रेचेस के साथ स्टार्ट करूँगा थोड़ा सा अच्छे से पूरा लेग मसल को स्ट्रेच करने के बाद फिर वापस से हम जाएंगे अपने वर्किंग सेट्स के ऊपर। तो वर्किंग जो मेरा आज फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी वो है स्क्वाट्स, एक सेट में बॉडी वेट लगाऊंगा वार्म अप के लिए और उसके बाद थोड़ा सा वेट्स पे जाऊंगा। मैंने वेट्स भी इवन किया टारगेट करे कितने करने हैं उससे ज़्यादा नहीं करूँगा ना उससे कम, फोकस करूँगा कि उतने क्वालिटी रेप्स निकालूँ और इसको ज़्यादा ख़राब ना करूँ। जब से जैसे 3 to 4 months मेरे को हो गए हैं जब मैं वर्कआउट अच्छे से नहीं कर पा रहा और उसके कारण मेरे को डिफरेंस फील हो रहा है, मेरे थाए की जो टाइटनेस थी जो वॉल्यूम थी ना वो कम हो गई पहले से, तो बस ये डेफिशिएंसी विटामिन डी है जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है मेरे को। तो ये जल्दी से जल्दी रिकवर करके वापस मैं इसको फॉर्म में लेके आऊँगा क्योंकि मेरी जो थिकनेस थी और जो टाइटनेस थी सारी ख़राब हो गई है। तो अब स्ट्रेचिंग के बाद हम कनेक्ट करते हैं वापस। अभी स्ट्रेचिंग के बाद मैं जाऊंगा सीधा बॉडी वेट के ऊपर, पहला सेट बॉडी वेट और 20-25 रेप्स का उसको टारगेट लेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना वर्किंग और मैं आज का वर्कआउट स्क्वाट्स के साथ स्टार्ट करूँ जो यूजुअली मैं सुमो डेडलिफ्ट के साथ करता हूँ। आज डेडलिफ्ट करूँगा बट डंबल के साथ रॉड के साथ। पहला सेट के लिए मैंने 30 और 30 दोनों साइड रखा है एक्सक्लूडिंग रॉड और इसके मैं निकालूंगा 12 रेप्स। स्लाइड सा मेरे को लास्ट के रेप्स जब होते हैं तब यहाँ पे थोड़ा स्पीड होता है, इसके लिए मैं यही फोकस कर सकता हूँ कि 12 से 8 रेप्स पे चले जाऊँ और ज़्यादा हैवी वेट्स पे ना जाऊँ। बट अब इस टाइम पे स्क्वाट्स वापस स्टार्ट करना ज़रूरी है, गैप काफ़ी डाल लिया और डाइट भी काफ़ी बेटर और इम्प्रूव कर लिया। बाहर थोड़ा म्यूज़िक लाउड है तो मेरे को था कि भाई अंदर बात कर लेते हैं। तो अभी ये सेकेंड सेट पे मैं गया हूँ जिसका मैंने आपको बताया 40-40-8 करूँगा और 8 से 10 रेप्स पे जाऊँगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं पेन के बारे में। ये पेन मेरे को आनी शुरू हुई थी वही 4 महीने बोला मैंने आपको से 5 से 6 महीने पहले और उस टाइम पे मैं स्क्वाट्स लगा रहा था नॉर्मल रूटीन की तरह 140-150 नॉर्मली। मैं अभी ज़्यादा पुश नहीं करता हूँ बहुत ज़्यादा वेट्स पे, तो 130-140-150 मैक्सिमम। और उसके बाद से मेरे को इमिजिएटली एकदम से बहुत ज़्यादा पेन फील होना शुरू हो गया और ये मसल जो था नीज के आउटलाइन पे ये रिकवर बहुत इसकी स्लो हो गई रिकवरी, तो बेसिकली हम जॉइंट्स की बात करेंगे उसकी रिकवरी बहुत स्लो होगी। उसके बाद मेरे को थोड़ा सा फील हुआ कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है जो देखनी चाहिए, फिर मैंने एक बॉडी टेस्ट करवाया अपना और उसमें देखा विटामिन डी मेरा बहुत डेफिशिएंट आया और वो डेफिशिएंसी का रीज़न था हाई कैफीन के कारण, क्योंकि मेरी कैफीन डोजेज बहुत ज़्यादा चली गई थी। 400 रिकमेंडेड होती है मैक्सिमम डोज और कई बार मेरी 500-600 तक भी जा रही थी और ये कुछ दिन ऐसे होते थे 2 या 3 दिन रेगुलरली 500-600 mg कैफीन मेरी डेली इंटेक जा रही थी। तो उसने क्या किया मेरे जो विटामिन डी बॉडी एब्जॉर्ब करती थी वो एब्जॉर्ब करवाना बंद कर दिया बॉडी ने, तो कैफीन इतना ज़्यादा ख़राब कर देती है। और अब मैं विटामिन डी लेता भी हूँ तो मेरे को उतनी जल्दी फील नहीं होता डिफरेंस। रीज़न ये है कि अब विटामिन डी की जब डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में होती है तो वो काफ़ी मंथ का पेस लेती है आपको रिकवर करने में, तो इसीलिए अब मैं इतने टाइम से स्क्वाट्स नहीं लगा पा रहा था, मैं डायरेक्टली यहाँ पर इम्पैक्ट आता था। तो बेटर ये था कि मैं सेफ चलूँ रादर देन उसको एक ईगो लिफ्ट की तरफ से या फिर ये देख कर कि मेरा मसल जा रहा है या कुछ, तो उसकी जगह मैंने रिप्लेसमेंट्स करी कुछ। जैसे मेरा जो वर्कआउट था स्क्वाट्स की जगह बस की जगह मैं सुमो डेडलिफ्ट करता था प्लस लेग एक्सटेंशन पे मैं एक एक्स्ट्रा सेट करता था कि थोड़े से मेरे क्वाड्स एक्टिवेट रहे क्योंकि हैम्स और ग्लूट्स को मैं टारगेट कर रहा था इजीली, उसमें मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। तो आज काफ़ी टाइम के बाद स्टार्ट किए, अब स्टेडीली इसको इंक्रीज करूँगा और स्टार्ट करूँगा और एक प्लस देसी घी और टर्मरिक
जो हम बोलते हैं हल्दी, इसने बहुत हेल्प किया इसको जल्दी रिकवर करने में, तो वो बहुत अच्छा है। इवन कि अब मैं इसके बाद भी कंटिन्यू रखूंगा टर्मेरिक, देसी घी मैं पहले भी लेता था, तो अब थोड़ा सा बेटर प्योर वाला देसी घी ऐड किया ताकि थोड़ी सी रिकवरी और फास्ट हो सके। स्टार्ट करते हैं 40-40 ऑन बोथ साइड और मैं 8 से 10 का टारगेट लूंगा। थर्ड सेट हमारा वार्म अप में ला के 4 सेट्स करे हैं और टाइम में अच्छा खासा पंप है और पेन थोड़ी सी कम है, क्योंकि मेरे अगर लेग्स में जितने बाहर रखता हूँ उतना ज़्यादा इफेक्टिवली मेरा स्क्वाट लगता है। जितना इनसाइड स्क्वाट करूँगा अगर मैं क्लोज स्टेप के साथ तो ये ज़्यादा पेनफुल आता है, क्योंकि तब डायरेक्टली क्वाट्स पे ज़्यादा आता है। तो अब हम जाएंगे 10-10 और ऐड करके दोनों साइड, जो 40 था 50-50 करके 6 से 8 रेप्स के बीच में रखें। सेट्स डन स्क्वाट, अब हम नेक्स्ट जाएंगे एक्सरसाइज 2 पे, जो मैं जाऊंगा डंबल्स के साथ सुमो डेडलिफ्ट। हम फोकस करेंगे हैम्स और ग्लूट्स पे। अब एक एक्सपीरियंस जो इस टाइम पे आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, अभी जो एक्सपीरियंस रहा मेरा नी पेन का वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है एज़ कम्पेरेटिव टू जो मैंने बीच में ड्यूरिंग पेन एक बार ही ट्राई किया था करने का, और तब मैं अभी फिर भी 50-50 बोथ साइड गया हूँ, तो रॉड को मिला के 115 के पास होगा मैक्सिमम, और उस टाइम पे मैंने सिर्फ 35 मैक्सिमम किया था, हुआ टोटल 70 इंक्लूडिंग रॉड करके हम 85 के पास कर देते हैं। उसी टाइम पे 8वें रैप पे मेरे को पेन ज़्यादा फील होनी शुरू हो गए थे यहाँ पे, जो अब कंपैरेटिव टू कम हो गई है। और अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूँ, स्ट्रेंथ नो डाउट काफ़ी ड्रॉप हुई है, और मसल मास की बात करूँ तो काफ़ी हद तक मेंटेन और रिटेन रहा है, और उसका रीज़न सिर्फ ये था मैंने अपने मसल को एक्टिवेट रखा किसी भी तरह अलग अलग एक्सरसाइज के साथ, जो नी भी ख़राब ना करे और मसल भी एक्टिवेट रहे। इस तरीके से आप अपने मसल की जो मेहनत करके आपने उसको गेन किया उसको बचा सकते हो। हद से हद 10-20% आपका डिप्लीट होगा एनी हाउ, बट जब आप वापस आओगे तो वो वापस ईजिली आ जाएगा। तो मसल को ट्रेन करते रहना बहुत ज़रूरी है, डजंट मैटर कि आप बहुत हैवी वेट पे या प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे ही जाओ मेंटेनेंस के लिए। हाई रेप रेंज के साथ मैं खेल लेता था ताकि मेरे मसल्स के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो ब्रेक डाउन है, वो होता रहे। तो अब हम चलते हैं सुमो डेडलिफ्ट के पास, और अब मैं उसको 16 रेप्स रखूँगा 25 kg के डंबल के साथ, और इसके भी हम 3 सेट्स आएंगे। स्टार्टिंग रेप्स के एक्सपीरियंस में ऐसा लग रहा था कि 25 किलो काफ़ी लाइट है, दोनों 25 को पकड़ने चाहिए, और जब 10 रेप्स क्रॉस हुए तब वो बर्नआउट निकलना शुरू हुआ, फिर आया कि मजा 25 से ही वो अच्छे से निचोड़ निकल रहा। तो सेकेंड सेट पे जाएंगे हम 35 और 12 रेप्स मैक्सिमम 10-12 फुल रेंज ऑफ मोशन, ताकि जो एक्चुअल पोटेंशियल है वेट्स का और आपके मसल्स का वो अच्छे से निकलना चाहिए। चाहे जितने मर्जी थकान हो, वेट्स को रिलैक करना आपकी रिस्पेक्ट है टूवर्ड्स वेट और आपकी मसल। यूजुअली मेरी सुमो डेडलिफ्ट होती है रॉड के साथ, आज मैं इस रीज़न से नहीं कर रहा कि कल मैंने बैक लगाई है और उसमें कन्वेंशनल डेडलिफ्ट करी थी, तो मेरे को है कि मैं ज़्यादा डिस्टर्ब ना करूँ बैक को तो डंबल के साथ, अदरवाइज आपका बारबेल के साथ ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल टूवर्ड्स स्ट्रेंथ और टूवर्ड्स आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड निकलता। तो अब थर्ड सेट पे चलते हैं 8 रेप्स मैक्सिमम 6-8 और 45 या 40 kg देखते हैं कितना मैक्सिमम नंबर यहाँ पे होता है। 40 है यहाँ पे मैक्सिमम, 40 है तो हम इसके 8 रेप्स पे जाएंगे, अदरवाइज 45 या 6 पे जाना था, कंपनसेट हो जाएगा। मैडम एब्स रोल कर रहे हैं, पहले तो अच्छे से बाहर का खा लेंगे फिर उसके बाद आप लगाएंगे रोज।
कुछ मजाक कर रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है अपनी डाइट को लेके, मेरे से भी ज़्यादा। तो अब दो एक्सरसाइज डन, वीक थ्री सेट्स, और हम थर्ड भी जाएंगे हिप थ्रस्ट डंबल के साथ, मशीन ये हिप थ्रस्ट की डंबल के साथ जाएंगे, और उसके बाद दूसरी नेक्स्ट बताऊंगा आपको। मोस्टली मैं क्या करता हूँ, लेग्स वर्कआउट में अपने जितने कंपाउंड मूवमेंट्स होते हैं उसको स्टार्टिंग में रखता हूँ, कि उस टाइम पे एनर्जी ज़्यादा आती बॉडी में, एंड तक जाते आते एग्जॉस्ट हो जाती बॉडी, इसीलिए कंपाउंड मूवमेंट्स पहले ख़त्म करता हूँ फिर उसके बाद दूसरी मूवमेंट्स हो जाते हैं। पता नहीं कि आज आठ लोगों के साथ वर्कआउट लगा के ना नेक्स्ट लेवल का पंप आता है, इसीलिए शायद मैं खुद के साथ ज़्यादा चीट करता हूँ अकेले में। तो हिप थ्रस्ट हम 16 रेप्स जाएंगे और 25 केजी के डंबल के साथ। थोड़ा सा चीट किया मैं, 16 की जगह 12 रेप्स लगाए हैं कल की लोअर बैक के कारण, तब कल बैक था पर लोअर बैक अच्छे से ट्रेन हुआ था, तो अब अलाउ नहीं कर रहा मुझसे, ओवर ट्रेन हो रहा। 25 केजी के साथ सेकंड सेट जाएंगे हम, 30 के साथ 8 रेप्स। One more set, third set और 40 के साथ 6-8 reps, ज़्यादा reps नहीं, lower back पे आ रहा है। और music loud है। Hip thrust, 3 sets, पहला हमने किया 25, 16 के साथ पर उसको 12 में कम्प्लीट किया, सेकंड हमने किया 35 के साथ 8, थर्ड किया 40 के साथ 8 रेप्स। अब हम जाएंगे लेग एक्सटेंशन प्लस लेग कर्ल सुपर सेट में, और ये हमारी लास्ट सेकंड एक्सरसाइज होगी, और इसके बाद हम जाएंगे कार्ब्स और फिर डाय। और ड्यूरिंग वर्कआउट पानी पीना ज़रूरी है, जैसे मैं बोलता हूँ कि हाइड्रेट रहना ड्यूरिंग वर्कआउट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, थ्रू आउट द डे भी ज़रूरी है, बट ड्यूरिंग वर्कआउट आपका बॉडी में टेम्परेचर बहुत राइज होता है और वो जो पानी है अंदर का वो इवेपोरेट होता है बॉडी को कूल करने के लिए, तो इवेपोरेशन में पानी निकल जाता है और स्वेट के थ्रू, तो ज़रूरी है कि ड्यूरिंग वर्कआउट पानी अच्छे से जाए 700 से 1 लीटर के पास। अब लेग एक्सटेंशन पे हम और लेग कर्ल 12-16 रेप्स के बीच में खेलेंगे, इस पर मैक्सिमम मैं पुश करता हूँ अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इस स्टेज पे, क्योंकि ये कंपाउंड मूवमेंट नहीं है और इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करता हूँ कितना ज़्यादा मैक्सिमम पुश कर सकूँ ज़्यादा वेट के साथ और 16 रेप्स पे टारगेट लेकर। फोर्टी के जी और 16 रेप्स का टारगेट लेंगे। एक्सटेंशन पे हम जाएंगे 75 और 16 रेप्स का टारगेट। वार्ड में इसमें से वैसे जान खत्म हो गई है, स्टेमिना भी कम हो गया। सेकेंड सेट सिर्फ 5 के जी ऐड करूंगा और रेफरेंस वही 14-16 रेप्स का टारगेट करूंगा। फोर्टीन रेप्स और मैंने मोस्टली 8 रेप के बाद ड्रॉप किया वेट और उसके साथ 10 के जी ड्रॉप किया और 8 रेप से शिफ्ट किया, उसके बाद 8 रेप्स के बाद शिफ्ट किया 10 के जी ड्रॉप करके रिमेनिंग रेप्स कम्प्लीट करने के लिए। इस एक्सरसाइज का कॉन्ट्रैक्शन बहुत अच्छा है, जब आप इस स्टार्ट इनिशियल पॉइंट पे जब इस पे आते हो तो आपकी जो एनर्जी और जो स्ट्रेंथ है वो उस स्टेज पे आके 50% के बाद ज़्यादा डिमांड करता है, तब जाके आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो चीज़ बहुत अच्छी है और वेट कहीं ना कहीं रिड्यूस करवा देती है। तो अब हम जाएंगे एक्सटेंशन पे, इसमें भी सेम 5 इंक्रीज करेंगे, 14-16 के बीच में रेफरेंस रखेंगे।
80 केजी और 14 टू 16 के एज में टारगेट करते हैं। थोड़ी सी ब्रेक, फिर एक सेट और कंप्लीट करके फिर हमारा लेग डन, फिर बस स्टार्ट कर जाएंगे। लास्ट सेट दोनों 14-14 रेप रेंज रखेंगे और सेम वेट के साथ। पहले सेट में मैंने 16-16 रखा, सेकंड में भी 14-14 और अब जो सेकंड में वेट और रेप रखा वो ही हम लास्ट में रखेंगे। इस टाइम मेरे मसल की जान निकल चुकी है और ज़्यादा वो नहीं कर पाएगा स्क्वीज। लास्ट के रेप्स में लाइट वेट ही बहुत हेवी लगता है। मैंने इस बारी 15 केजी ड्रॉप किया, लास्ट टाइम 10 किया था और रेप रेंज सेम रखा। 8 रेप्स रिमेनिंग वेट जो स्टार्टिंग के साथ था उसके साथ, और रिमेनिंग रेप्स वेट 15 केजी डाउन करके।